वेलकम टू देसी पटाका, मैं हूं आराधना आपके साथ। वेब सीरीज तंदूर, रश्मि देसाई, तनुज वीरवानी और अमित रोयान की अदाकारी से सजी हुई 5 एपिसोड की ये वेब सीरीज है और 25 मिनट का एक एपिसोड है, इसलिए आराम से देखी जा सकती है, ज्यादा समय नहीं लेती है। बिल्कुल सिलसिलावार तरीके से उस घटना को दिखाया जो तंदूर कांड में हुई थी, हालांकि किरदारों के नामों को बदल दिया गया। 5 जुलाई 1995 को हमारे देश में तंदूर कांड हुआ था। आज की जनरेशन शायद ही उसको जानती हो, लेकिन उस समय बहुत हंगामा मचा था तंदूर कांड को लेकर। और उसी पूरे तंदूर कांड की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें सारी सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, फैसले आ चुके हैं, तो उसी तरीके से इस पूरी वेब सीरीज को शूट किया गया है। रश्मि देसाई की उम्दा एक्टिंग है। चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि तंदूर कांड में हुआ क्या था। सुशील शर्मा जो है, उसने नैना शर्मा से शादी की थी और अपनी बीवी को उसने मार कर, जिससे किसी को पता ना चले, अपने ही होटल के तंदूर में जला दिया था। बाद में सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था इस जुर्म के तहत। पहले उसको फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदला और वो जेल के अंदर साधु की तरह रहने लगा। उसके बर्ताव में बदलाव आ गया, जिसके बाद उसको जेल से रिहा कर दिया गया। और उसी पूरी घटना को, पूरे तरीके से आप तंदूर कांड को देख सकते हैं रश्मि की वेब सीरीज तंदूर में। वेब सीरीज की शुरुआत होती है जहां पर एक पति अपनी बीवी की लाश को बोरी में लेकर जा रहा होता है और उसको तंदूर में जलाता है, जिसके बाद कहानी बैकड्रॉप में जाती है और आप पूरा इतिहास देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हालांकि इसमें जो किरदारों के नाम है वो बदल दिए गए हैं। रश्मि नैना का किरदार निभा रही हैं, लेकिन उनके किरदार का नाम पलक है। अमित रोयान जो है वो आपको अयाज के किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं तनुज वीरवानी का नाम साहिल शर्मा है, जबकि असल में सुशील शर्मा था इस पूरे केस का आरोपी। शुरुआत के 2 एपिसोड रश्मि देसाई के फैंस को नाराज कर सकते हैं, उदास कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के पहले एपिसोड में तो नजर ही नहीं आती है। दूसरे एपिसोड में थोड़ी सी झलक आपको रश्मि देसाई की देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद रश्मि देसाई छाई रहती हैं। शानदार एक्टिंग, रश्मि आपको एक भी सीन में ना निराश नहीं करेंगी। हर सीन में उन्होंने ये साबित करा है कि भाई एक्सपीरियंस बोलता है। तनुज वीरवानी इस वेब सीरीज की जान है, तनुज से आपको नफरत हो जाएगी, क्योंकि उसने इतनी एक्टिंग शानदार की है कि उसका एक खौफ बना हुआ है पूरी वेब सीरीज में। अमित रोयान का काम बढ़िया है, वेब सीरीज पेस से चल रही है एकदम, पर इसकी जो कमजोर कड़ी है वो है इसके सपोर्टिंग एक्टर्स। हाँ, वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं और वो इस वेब सीरीज को थोड़ा ढीला करते हैं, लेकिन इट्स अ मस्ट वॉच वेब सीरीज फॉर ऑल रश्मि देसाई फैंस। रश्मि फिर से अपने आप को प्रूव करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर तनुज ने बहुत उम्दा, बहुत शानदार काम करा है। अमित रोयान की अगर मैं बात करूं तो वो इसमें पलक के दोस्त, यानी कि असल जिंदगी में अगर मैं कहूं तो नैना सानी के दोस्त का किरदार, अयाज का किरदार निभा रहे हैं और उनकी एक्टिंग भी शानदार है। पूरी का पूरा तंदूर कांड आपकी आंखों के सामने घूम जाएगा। अगर आपको एक्चुअली में रियल एक्टिंग और रियल इंसिडेंट से जुड़ी चीज़ें देखना पसंद है, खबरें देखना पसंद है, इंसिडेंट देखना पसंद है, तो दिस वेब सीरीज इज मेड फॉर यू। डू लेट मी नो देखने के बाद कि आपको कैसी लगी। मेरी तरफ से तंदूर को 3.5 रेटिंग। आप अपना रिएक्शन कमेंट्स में लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।